जिया। साथियों, एक बिरहा मैं आपको ऐसे सुनाने जा रहा हूं। अगर कोई लड़का कुछ बनना चाहता हो, गरीबी अभाव के नाते उसका हौसला टूट रहा हो, उसके अंदर ये भावना घर कर गई हो कि मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा, मैं गरीब हूं, लाचार हूं, विवश हूं, तो यह गीत जो मैं गाने जा रहा हूं आपको टानिक और प्रेरणा का काम करेगी। एक ऐसे नौजवान साथी की बिरहा में गाने जा रहा हूं जो बहुत अभाव में जीवन बिता करके और आज बुलंदियों पर है। कहना है कैसे मास्टर? मान सम्मान औसान शौकत वतन अमल चैन कायम बनाता सिपाही, गम गरीबी के गर्दिश में पल कर सदा, रात दिन फर्जी अपना निभाता सिपाही, नींद को त्याग कर रात में जाग कर, अरे दुश्मन का छक्का छुड़ाता सिपाही, मगर चोट दिल पर अगर देती अपनी, व्यथित हो व्यथा तब सुनाता सिपाही। भैया लोगन, भाई अभिमन्यु के सौजन्य से बिरहा हम गावे जाए थी, आ यही स्टूडियो में बिरहा लिखाई लिया, कोनो गलती हुई क्षमा करिहा लोगन। एक सिपाही का फर्ज क्या होता है? हम यहाँ पर चैन के लिए सोते हैं तो उसके पीछे उस सिपाही का त्याग है जो रात भर जागता है और हमको चैन से सोने की इजाजत देता है, हमको चैन से सोने के लिए अपनी कुर्बानी देता है। मास्टर साहब एठे कव्वाली लगल, अरे बुलबुल बहार गुल में, अरे बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, बुलबुल बहार गुल में, बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है। खिलती है जो कलियों, खिलती है जो कलियों महकती जरूर है, महकती जरूर है।
एक सिपाही का एक फौजी का काम क्या होता है? अरे जीना यो मरना फर्ज पे, अरे जीना यो मरना फौज पे, फौजी का काम है, फौजी का काम है। जीना या मरना फौज पे फौजी का काम है, जीना या मरना फौज पे फौजी का काम है। जीवन में आए कितनो, जीवन में आए कितनो बाधा तमाम है, बाधा तमाम है, बाधा तमाम है। बीएम भाई यहीं से कहानी का शुरुआत भाई, कैसे रस्ता है, भूख से कोई मरे सूझता ना रस्ता है, किसी के कुत्ते खाते काजू और पिस्ता है। कहानी ऐसे ये, कहानी ऐसे ये करना यकी सुनाता हूँ, कहानी ऐसे एक नायक की सुनाता हूँ, समय क्या का कराई गाक के बताता हूँ। बाजार मधुबन के, बाजार मधुबन के बगल दुबारी गांव सही, बाजार मधुबन के बगल दुबारी गांव सही, विनय कुमार रखा, विनय कुमार रखा बचपन में देखा पाँव सही। विनय कुमार जो प्रापर में सूरजपुर इब्राहिमाबाद सूरजपुर में निवास स्थान है, बचपन में पैदाइश हुई दुबारी गांव में, माता का नाम श्रीमती राम राजी देवी, पिता का नाम बाल किशुन, बेटवा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया विनय कुमार। तर्ज लगल मास्टर, बड़ी तहलका मचौले बाई गीत। जयहना जयहना पुर बाबा बलमुआ, जयहना पुर बाबा बलमुआ, जदुआ मारे बंगली निया, पुर बाबा बलमुआ, जदुआ मारे जिहल पिया कोई के न पनिया, जिहल पिया कोई के न पनिया, जदुआ मारे बंगलिनिया, जिहल पिया कोई के न पनिया, जदुआ मारे बंगलिनिया, कोई के न पनिया। घोर गरीबी विनय कुमार का बचपन है,
रोपनी सोहनी कौनो काम बाकी ना लगौला। विनय कुमार। बीतेला गरीबिया में दिनावा, बीतेला गरीबिया में दिनावा, सूझे नाउ पैया। बीतेला गरीबिया में है। बीड़ी के पतई तोरे सोहरी करें, इतने ना है पानी वाली मशीन गाड़े। मनोज धरती पर कोनो काम बाकी ना रहल अपन पेट जी आवे खातिर। बीतला गरीबिया में दिनावा, सूझे नाऊ पाईया। मिले भर पेट ना भोजनवा, मिले भर पेट ना भोजनवा, सूझे नाऊ पाईया। मिले भर पेट ना भोजनवा, सूझे नाऊ पाँच बरस जब भैली उमरिया, पाँच बरस जब भैली उमरिया, ऐसन रहल लाचारी भैया, ऐसन रहल लाचारी भैया, ऐसन रहल लाचारी भैया। माई बाबू के संगे कहाँ आई ना, आइले बहारा चादर म्यानावा, आइले बहारा चादर म्यानावा, सूझे नाऊ पाईया। माई बाबू के साथे विनय कुमार आगे न बहराइच में। अब बहराइच में कैसी स्थिति है? आ तो थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन बताइए उस समय क्या स्थिति रही होगी? मास्टर से तर्ज बदल गई। साझे से नाच देख गईल बारात में, साझे से नाच देख गईल बारात में, साझे से नाच देख गईल बारात में। कौनो मेहरारू अपनी मर्द से अपन दुख गावत बा। साझे से नाच देख गईल बारात में, भइल बा रहे हरि अपन मेहर छोड़ी रात में, ओहर कदला भोरा हरिया हो, भोरा हरिया हो, ना जानी देख के का अइला, ना जानी देख के का अइला का कैला, मीठी मीठी बोथे कमरिया, ना जानी देख के का अइला का कैला, मीठी मीठी बोथे कमरिया। बात सुना,
बस गए बहराइच सटल सीमा नेपाल बा, सीमा नेपाल बा। सर पर गरीबी भारी कैले बवाल बा, बस गए बहराई सटल सीमा नेपाल बा। सर पर गरीबी भारी कैले बवाल बा, पशुअन से बदतर जीवनिया हो जीवनिया, पशुओं से बदतर जीवनिया हो जीवनिया। कहियो तक खाना मिले कहियो ना मिले, कहियो तक खाना मिले कहियो ना मिले। अखिया से बरसेला पनिया, कहियो तक खाना मिले कहियो ना मिले। अखिया से बरसेला जड़ी बूटी के खोजे लकड़ी के काट के, होला जीवन के पालन, होला जीवन का पालन करके आखे टुके, भैली समैया नगिनिया हो नगिनिया हो। कहियो तक खाना मिले कहियो ना मिले, अखिया से बरसेला पनिया, कहियो तक खाना मिले अखिया से बरसेला पनिया। वही जंगल में बीड़ी के पतई और पेट भरे खातिर कुछ मिल जा, कौनो शिकार मिल जा, लेकिन बाबू है रे गरीबी देखा भैल का तर्ज बदल मास्टर। अरे कही दा भौजी भैया जी से, कही दा भौजी भैया जी से, कही दे तै गवा नवा रा, कही दा भौजी भैया जी से, कही दे तै गवा नवा रा, कही दा भौजी भैया जी से, कही दे तै गवा नवा रा। एक दिल जगलावा में विनय कुमार अपनी साम्राजी माई के साथ गए जंगल में, एक दिल जंगलावा में काटे के लकड़िया रा, एक दिल जंगलावा में काटे के लकड़िया रा, एक दिल जंगलावा में लकड़िया रा, बेटवा के साथी चली लोगवन के साथ चलने, बेटवा मतरिया रा, बेटवा मतरिया रा, बेटवा मतरिया रा।
लकड़ी काट के बेच के पेट आग बुझावे के बाद गांव के लोग के साथे साथे विनय कुमार अपनी माई के साथे चल गए जंगल में लकड़ी काटे। लेकिन भैर का लकड़ी काकट में छूटल, लकड़ी काकट में छूटल सब ही तेर घरी यारा। जेठ का महीना है, 8-10 साल का वो लड़का प्यास से तड़प रहा है। माई साम्राजी से रो करके विनय कुमार से बात कहला, पनिया पिया दाए माई, पनिया पिया दा माई, पनिया पिया दा माई, भैली दू पहरिया दा, पनिया पिया दा माई, भैली दू पहरिया दा, पनिया पिया दा माई, भैली दू पहरिया दा। विनय कुमार वो बच्चा अपनी माई साम्राज्य से कहते कि माई बहुत प्यास लगल बा माई, हमके पानी पिया दा माई। माई दौड़ दौड़ के पानी खोजत है जंगल में, कहा पानी मिली भैया हो। खोजत खोजत एक ठे गड्ढा मिलल जौने में भैंस लोटल रहल आ थोड़ा सा पानी रहल, लेकिन पानी बिल्कुल कनई रहल, बिल्कुल हबड़ा रहल। देखा माई, धन्य हो माई, हमार माई होके चाहे आपका माई होके, माई तो माई होले तेरी के भाव मास्टर। कि अरे मरे राम रचनावा कैसन कैला विधना, गंदा एक भगाड़ा में निरखे नीर सुगनावा। माई हमके पानी पिया दे माई, नहीं तो हम मर जाए माई। माई खोजत ही पानी, इठे गड्ढा लौकल जौने में भैंस लोटले बा, बिल्कुल हबड़ा पानी बा। लेकिन बीएम भाई वो गड्ढा में जौन पानी रहल इठे जहरीला सांप मरल रहा, और उस सांप मर के उपराई रहल। विनय कुमार कहा कि माई हम रहब चाहे जाई, लेकिन हम पानी पियब जरूर। देखें माँ की ममता, बेटा नहीं माना, वो गड्ढे का पानी अंगुली से उठा करके पीने लगा। माँ सोती है ये गड्ढे का पानी गंदा है, इसमें जहरीला सर्प मरा है, यानी पानी ये जहरीला हो गया होगा, मेरा बेटा पी लिया। मेरा बेटा जब पी लिया तो अब ये नहीं बचेगा, जब ये नहीं बचेगा तो मैं जी करके क्या करूँगी। देखें माँ की ममता तर्ज बदल गई। उहे गीत बा का पगल आ गइलू नायया, का पगल आ गइलू हो, हम तो खुदे बानी बहु रहिया, हम तो खुदे बानी बहु रहिया, अय्या का पगल आ गइलु हो, हम तो खुदे बानी बहु रहिया, अय्या का पगल आ गइलु हो, हम तो खुदे बानी बहु रहिया, अय्या का पगल आ गइलु हो। धीरे धीरे माँ सोच रही है कि मेरा बेटा जब पानी पी लिया वो जहरीला पानी, मेरा बेटा नहीं रहेगा तो मैं जी करके क्या करूंगी। माँ ने वह पानी पी लिया, लेकिन धन है प्रकृति का नियम,
न बेटा मरा न माँ मरी। क्या बात, समय बीतता है, बच्चा धीरे धीरे विनय कुमार नौजवान हुआ, भैल का आई समय आना है भैया, आई समय आना, खुशिया संग में तीन जुलैया देखा आई समैया ना, तीन जुलाई 1999 को ये विनय कुमार फौज में भर्ती हो गया। वाह वाह। और फौज में जब भर्ती हो गया, अरे भर्ती भइल फौज में बबुआ दुलरुआ, भारत माता के बनी के पहरुआ, विनय कुमार भर्ती हो गया। 8 साल ड्यूटी करने के बाद किए क्या, कहिला ड्यूटी में रह के पढ़ैया, कहिला ड्यूटी में रह के पढ़ैया, खुशिया आई समय आना, खुशिया आई समय फौज में भर्ती हो गए। और 8 साल नौकरी करने के बाद हाई स्कूल पास पर फौज में भर्ती हुए। 8 साल नौकरी करने के बाद इंटर बीए एमए डीएलएड यानी बीटीसी सारी शिक्षा पूरी किए। लेकिन उसी फौज की नौकरी के दरमियान अनंतनाग में घटना हुई। और कौन सी घटना हुई, तर्ज बदल गई। स्काउट गाइड की ड्यूटी चल रही है, उसी समय विनय कुमार एक चीज देखते हैं। क्या देखते हैं, पांच हो तारीखिया रहली, पांच हो तारीखिया रहली, अरे मई का महीनावा सनावा नाही झुकी है, अरे सनावा नाही झुकी है ना, जम्मू अनंत दरम्यनावा सनावा नाही झुके, जम्मू अनंत दरम कठे आतंकी के, ये कठे आतंकी के अरली हला दौड़ाई, ये कठे आतंकी के एक 47 लेकर के आतंकवादी जा रहा है। विनय कुमार देख लिए, अपने साथियों के साथ ललकार लिए, चलो साथी दौड़ा लिए। लेकिन
विनय कुमार उस आतंकवादी के पीछे AK-47 लिया है। 200 मीटर की दूरी पर आतंकवादी जा रहा है, उसके पीछे पीछे विनय कुमार राइफल लेकर के। चाहा होता तो घूम करके इनको भून दिया होता, लेकिन हिम्मत देखिए। इकट्ठे आतंकी के लिहला दौड़ाई, संग के सिपाही सब, संग के सिपाही सब, संग के सिपाही सब छूट गई भारी, संग का सिपाही सब छूट गई भारी, संग का सिपाही सब छूट गई भारी। 3 किलोमीटर खदरा, 3 किलोमीटर खदरा, अरे हिंद के रतनवा सनवा नाही झुके, अरे सनवा नाही झुके, अरे मरलो साधु के निशानवा सनवा नाही झुके, साथियों का साथ छूट गया। आतंकवादी AK-47 लेकर के आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे राइफल लेकर के विनय कुमार, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, रुक जाओ। आतंकवादी खड़ा हो गया, सर मुझे मारिएगा मत, मारिएगा मत मुझे, साले तुमको मैं जिंदा छोड़ूंगा, जिंदा रहोगे फिर दूसरा आतंकवादी पैदा करोगे। विनय कुमार देखिए, यह हिम्मत, यह कलेजा, अगर सोचे होते कि अभी ये AK-47 लिया है घूम करके फायरिंग करेगा, मेरे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। 3 किलोमीटर के दौड़ाते दौड़ाते जाकर के उसको गोलियों से भून दिए। ऐसा वो विनय कुमार सिपाही पहपट लगल, अरे प्राण से बढ़ के मातृभूमि है प्यारी वतन पुजारी हो, अरे प्राण से बढ़ के मातृभूमि है प्यारी वतन पुजारी हो, पार किया जीवन की बाधा सारी वतन पुजारी हो, भाई के अपने फौजी वीर बनवल हो। इनका छोटा भाई विमल कुमार, कल मेरी बात हुई थी, इस समय वो लड़का एक विधायक के सुरक्षा में कलकत्ता में है, विलय कुमार CISF में। देखिए कितनी गरीब से उठ करके ये विनय कुमार, और बाद में पिता भी प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हुए, जहाँ झोपड़ी नहीं थी आज वहाँ बिल्डिंग है, 3-3 4-4 लग्जरी गाड़ियाँ, और छोटा भाई भी CISF का जवान। ये होता है हौसला, अगर हौसला हार गए होते कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा तो कुछ नहीं बन पाते, लेकिन लक्ष्य था दिल में, हौसला था दिल में, अरे विमल कुमार भाई के अपने फौजी वीर बनवल हो, अरे कार लग्जरी मकान पक्का सूर्या पूरा बनवल, अरे छुटल गरीबी सुकया इल बारी वतन पुजारी हो, अरे याद करे लाजे के अभी दुबारी वतन पुजारी हो।
मेरे एक मित्र हैं राम पुकार, वो भी कभी कभी भेजते हैं कारगिल की चोटियों पर, वो भी इस समय हैं बाहर। फौजी तुम्हारी जिंदगी इतना इतना बर्फ, माइनस शून्य से भी माइनस डिग्री तापमान में आप कैसे जीते हो मेरे भाई? हमारे लिए जीते हो ना, कहना है। अरे धन्य हो बिना धन्य तुम्हारी हिम्मतिया भैया, साथी मनी कमीना देवी गई। इनके बिना तो जीवन अधूरा है ना। मीना देवी इनका धर्म पत्नी बीएम भाई 10 तारीख के कार्यक्रम रहा इनके घरे हमार, तो इनकी मलकी के भी देख लेते अवसर मिलल। जीवन साथी बनी कमीना देवी गैलिया, जीवन साथी बनी कमीना देवी गैलिया, जीवन साथी बनी कमीना देवी गैलिया। अरे तरमन से सवार करे जैसा कबीरा नामा भैया, भक्ति से लेकिन देश भक्ति से न मान भरल बा। आज चार चांद लगा है तो ये गीत मैं इसलिए गा रहा हूं कि जो समाज के दबे कुचले लोग, जो बच्चा कुछ बनना चाहता हो, सोचता कि मैं गरीब हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बच्चे, हौसला रखो, कोई काम नहीं मुश्किल कर ठान लीजिए, एक बात आप मेरा कहा मान लीजिए। क्या बात है, ये प्रेरणा है, ये उदाहरण है विनय कुमार, और ऐसे लाखों करोड़ उदाहरण पड़े हैं। यह गीत मैं इसीलिए गाया हूं कि इससे आने वाली पीढ़ी को हौसला मिलेगा। बा, 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 खड़ी है मास्टर। अरे आज आजाद जहिया सरहद सा जुझार भइले, ऋष देश के सिपाही होनहार भइले, इता घूस के खिलाफ हो। पुलिस में नौकरी करते हुए फौज से रिटायर होने के बाद पुलिस में नौकरी कर रहे, इस समय बहराइच में हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह से चाय पीते हैं और जाड़े में गरीबों को कंबल, गरीबों को कपड़ा, जिसके घर खाना नहीं है अनाज पहुंचाना, ऐसा एक सिपाही, ऐसा पुलिस का एक जवान। मैं तो यह भैया
रुकरे काहे इतना भूसा लदले हवे दे पड़वा लटके जात है। लेकिन इस परिवेश में भी ऐसे लोग हैं बाबा। कैसे हर जाव रहेला इता घुस के खिलाफ हो, देश के दरिंदवन के करेला ना माफ हो, समाज हित में तत्पर बिना कुमार भैले इता देश के सिपाही हो नहार भैले। गुरु बिहारी गुरु गणेश मेहनत तक विनय कवर्दी कवि चंद्रिका सुवेदार ईश्वरदी से हमदर्दी रचनावा कैसे कैला विधना त्रिभुवन गाना गावे गोठा बा मकनावा